गाइस, मैं हूं श्याम शेख एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, सबसे पहले बता दूं फेस पे मत जाना क्योंकि आज इतनी ज़्यादा गर्मी है। अभी टेम्परेचर चल रही है 33 डिग्री और बज रहे हैं शाम के 5। और गाइस, आज का क्या है कि मतलब मैं अकेला था तो सो वीडियो सही से शूट नहीं हो पाया। सो क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको सरकारी दफ्तर वगैरह ढूंढने में दिक्कत होती है, जैसे कि लाइक सिविल कोर्ट वगैरह हो गया, समरणालय हो गया। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि समरणालय कहाँ पे है, कोर्ट कहाँ पे है। सो गाइस, आप आसानी से ढूंढने में दिक्कत वगैरह नहीं होगी। आप आएंगे और आपको जैसे ही मतलब आप मान लीजिए बस स्टॉप पर उतरेंगे, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा मेरे वीडियो के माध्यम से। ठीक है गाइस, अभी आपको बताते हैं सबसे पहले कि समरणालय कहाँ पर गाइस। ठीक है, वो आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, जैसा कि अभी देख रहे हैं, ये है समरणालय और ये जस्ट है बस स्टैंड के, जैसे कि आप बस पकड़िएगा उसके जस्ट सामने में ही है। थोड़ा सा आगे जाइएगा समरणालय, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है गाइस। ये देखिए दीवार पे मतलब सरकारी दफ्तर वगैरह है, तो उस पर सारा वगैरह चीज़ लिखा हुआ है कि विवाह वगैरह जो इलीगल लोग से इलीगल तरीके से करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि सरकारी दफ्तर होगा। उसके जस्ट सामने में नगर परिषद है आई थिंक। हाँ गाइस, नहीं नहीं गाइस, ये है DRDO ऑफिस, यहाँ पे जिसका बहुत सारे लोगों का DRDO ऑफिस में भी काम होता है। सो जस्ट उसी रोड में थोड़ा सा आगे जाइएगा और ये है आपके लेफ्ट साइड से मिल जाएगा आपको, अगर आप इस साइड से बस स्टेशन से आ रहे हैं। सो गाइस, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और गाइस और आपको मिल देखते हैं और क्या है। सो गाइस, अगर आपको हेलमेट वगैरह लेना हो सारा चीज़ उसके जस्ट सामने में मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोग फुटपाथ पे लगाते हैं, हेलमेट हो, सेल में कपड़े हो, वो गाइस आसानी से जिनको लेना होता वो ले सकते हैं। और गाइस ये देखिए, ये रहा ये भी रहा समरणालय, यहाँ पे शायद काउंटर वगैरह जो लगाया जाता है, ये छोटा सा समरणालय है, इसमें अंदर में वकील लोगों का दफ्तर वगैरह होता, छोटा छोटा काउंटर वगैरह, तो सो वो था। हाँ, सो गाइस ये है सिविल कोर्ट न्यायालय मधेपुरा। गाइस उसमें कुछ लिखा हुआ भी है। सो थोड़ा सा आगे जाइएगा 10-15 कदम, सो आपको न्यायालय भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अच्छा अब थोड़ी सी हवा चल रही है गाइस, और थोड़ा सा जस्ट सामने जाइएगा तो नगर परिषद मिल जाएगा लेफ्ट साइड से आपके, उसमें जिनका भी बहुत सारे लोगों का नगर परिषद में भी काम होता है, जो नगर परिषद में काम करते हैं और जिन लोगों को ढूंढना पड़ता है तो उनको दिक्कत होती है। सो मैंने बता दिया कि नगर परिषद जस्ट सिविल कोर्ट के मेन कोर्ट के जस्ट सामने में, वो उसका दूसरा दरवाज़ा था और आई थिंक वो शायद सेकेंड डोर था दरवाज़ा था, उसके बाद फिर एक और दरवाज़ा आएगा आई थिंक मेन, जिस पर इंग्लिश में लिखा हुआ होगा सिविल कोर्ट। हाँ गाइस देखिए वो रहा। गाइस गर्मी काफ़ी तेज़ भी है, काफ़ी तेज़ गर्मी है आज, काफ़ी ज़्यादा मेरे फेस से पता चल रहा होगा गाइस, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। सो अभी का है क्या, देखिए गाइस ये रहा मेन सिविल कोर्ट, बहुत बहुत से लोग को दिक्कत होती है सिविल कोर्ट ढूंढने में। सो गाइस ये रहा सिविल कोर्ट, देखिए गाइस है आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, सिविल कोर्ट मधेपुरा। गाइस बहुत सारा काम, वैसे तो मेरा तो आज तक कोई काम रहा नहीं है तो मैं कोर्ट गया नहीं कभी, जिन लोगों को काम होता है सो आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगा सारा काम वगैरह। ठीक है गाइस, जो भी काम वगैरह करवाना आपको सिविल कोर्ट में, आपको ढूंढने की दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको लोकेशन डायरेक्ट वीडियो के लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से टैप करके आसानी से आ सकते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए। सो गाइस, गाइज मेरे को पसीने चल रही है बहुत तेज़ वगैरह। गाइज ये है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, गाइज ये क्या है मेरे को पता बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। और गाइज ये देखिए ठे फुटपाथ वगैरह पे ठेला वगैरह कपड़ा वगैरह लगा रहा है। गाइज ये देखिए इंडियन, फिर से है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, और बगल में एक कैंटीन है मान पुना करके, आई थिंक ये साउथ का नाम वगैरह जो भी हो। सो गाइज मेरे को इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है इंडियन रेड क्रॉस। सो गाइस समरणालय के जस्ट सामने में है स्टेडियम जाने का रास्ता, जो बहुत लोगों को नहीं मिलता है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर से जाए नहीं जाए, तो वो जिसको ज़रूरत हो, एक अंदर में एक कोई सरकारी दफ्तर है वो मेरे को पता नहीं है, मैंने ध्यान से कभी पढ़ा भी नाम नहीं, और अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या नाम है इसका, आई थिंक कुछ कार्यालय करके है। और गाइस जस्ट उसके सामने में थोड़ा सा अंदर जाइएगा, देखिए गाइस ये आ गया
ये है डिवीज़न मधेपुरा, बिल्डिंग डिवीज़न मधेपुरा। गाइज मेरे को इसका मतलब पता नहीं है, तो सो अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा हमको, तो मैं भी जान लूँगा आप लोगों के थ्रू। तो गाइज ये रहा स्टेडियम, बीएन मंडल स्टेडियम। गाइज ये देखिए बीएन मंडल स्टेडियम। और गाइज अभी इसके जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट हाँ गाइज, और ये देखिए ये रहा कला भवन मधेपुरा। यहाँ पे गाइज बहुत सारा कार्य प्रोग्राम वगैरह जो रखा जाता है वो कला भवन में रखा जाता है। और गाइज ये देखिए ये है स्टेडियम, जस्ट उनका दौड़ था। सो गाइज देखा गाइज आपने कि बहुत सारे लोगों को कला भवन वगैरह नहीं मिलता है। सो गाइज ठीक है गाइज, और आगे है शायद वही छोटा छोटा दफ्तर लोग वकील लोग लगाते हैं, उसका दफ्तर का नाम नहीं मेरे को पता क्या कहा जाता है, उसको कुछ और कहा जाता है। लेकिन इस पे देखते क्या लिखा हुआ है गाइज, इस पे है कार्यालय करके लिखा हुआ है मधेपुरा जिला निबंधन कार्यालय मधेपुरा। गाइज इसका मतलब मेरे को भी नहीं पता है क्या चीज़ है, किस चीज़ का है यहाँ पर। आई थिंक ज़मीन वगैरह का सारा कागज़ वगैरह, मैं एक बार गया था इस चीज़ में, सो ये मेरे को पता है वहाँ पे ज़मीन वगैरह का कागज़ वगैरह जितना भी पुरानी ज़मीन है आपकी, जिस वकील से आपने काम करवाया होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, और गाइस ये हेलमेट वगैरह है, और ये सामने भी फुटपाथ पे हेलमेट वगैरह लगा हुआ है। और गाइस ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, आप लोग के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी था। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइज, 1K कराएं जल्दी से। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।